हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे कहती हूँ कि जितनी जल्दी आप अपने गेस्ट्स के लिए चाय बनाते हैं, सर्व करते हैं, उतनी ही जल्दी आप अपने ही हाथों से लजीज, फ्रेश, हेल्दी स्नैक पनीर टिक्का भी बना लेंगे। क्यों, यकीन नहीं हुआ? चलिए दिखाती हूँ आपको झटपट 7 से 8 मिनट में बनने वाला ये हमारा पनीर टिक्का। फ्रेंड्स, आपको पनीर टिक्के के लिए पहले ही कुछ तैयारी करके रखनी होगी। जैसे दही को हंकर्ड बनाना होगा, वो आप दही को किसी पतले मलमल जैसे कपड़े में बांध के रख दीजिए कुछ घंटे और फिर यूज़ कीजिए। और आपको एक कचौरी बेसन को भून लेना होगा, फिर हम उसे यूज़ करेंगे पनीर टिक्के में। चलिए बनाते हैं पनीर टिक्का। मैंने लिए हैं कुछ हार्ड पनीर चंक्स डाइस्ड। ये पैक्ड पनीर है, जैसे मदर डेरी या अमूल का मिलता है ना, वैसे ही। और साथ में है कुछ चॉप्ड वेजिटेबल्स, जैसे येलो पेपर, आप ग्रीन भी ले सकते हैं, टमाटर और प्याज। अब हमने हमारे हंकर्ड को बोल में निकाल के भुना बेसन डाल लिया है। मैं इसको ज़रा बड़े बर्तन में शिफ्ट करूँगी। अब इसमें डालिए अजवाइन, लाल मिर्च, नमक स्वादानुसार, हल्दी, गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर, काला नमक और ज़रा सी कसूरी मेथी। अब हम इस मिक्सचर को ज़रा सा रिफाइंड ऑयल डाल के मिक्स कर लेंगे। और मैंने डाली हैं ऑरेंज फूड कलर ड्रॉप्स, ताकि बिल्कुल बाजार जैसा लगे हमारा पनीर टिक्का। और देखिए, तैयार है हमारा मैरिनेशन। चलिए फटाफट लगाते हैं सीखे। और ये मेरी टिक्के की सीखें रेडी हो गई हैं। दोस्तों, मैंने अपने पनीर टिक्के की सीखों को बटर से ब्रशिंग करके एयर फ्रायर में लगा दिया है। आप पैन में भी अपने इन पनीर टिक्कों को सेक सकते हैं। दोस्तों, हरी ताज़ी चटपटी चटनी ना हो तो टिक्के का मज़ा ही नहीं आएगा। तो आइए फटाफट से हरी चटनी भी बना लेते हैं। मैंने मिक्सी में ये पुदीना, धनिया, हरी मिर्च और 2 कच्ची अमियां डाल दी हैं। और अब मैं डाल रही हूँ नमक स्वादानुसार, लाल मिर्च और अमचूर 1-1 चम्मच। बस ज़रा सा पानी डाल के फटाफट बना लीजिए चटखारेदार खट्टी हरी चटनी। बस 5 मिनट के बाद ही मेरा ये पनीर टिक्का बिल्कुल भुन के रेडी हो गया है। और ये लीजिए जनाब, आप भी खाइए और अपने नियर एंड डियर वंस को भी खिलाइए ये पनीर टिक्का विद फ्रेश मिंट ग्रीन चटनी।